फेलियर ऑफ ओम लॉ में आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये सीबीएसई में, ओम लॉ कहाँ कहाँ फेल होता है ये बताओ। ओम लॉ के अकॉर्डिंगली अगर मैं आई और वी का ग्राफ ड्रॉ करूं करंट वर्सेस वोल्टेज का, तो ग्राफ कहां से पास होगा? फ्रॉम ओरिजिन। वी आई ग्राफ ऐसा होगा, राइट? क्योंकि वी प्रोपोर्शनल टू आई, तो ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ इधर जाएगा, करेक्शन कर लेना, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब एक वायर में करंट जाएगा और बहुत देर के लिए जाएगा, तो उसमें नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ज्यादा होंगी, और अगर नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ज्यादा होंगी तो उस केस में उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो रही हैं। अच्छा, ऐसे लेते हैं, अगर मान लो आपकी वायर में करंट जा रहा है बहुत देर के लिए, तो उसमें कोलिजन्स हो रही हैं, तो जब कोलिजन बार 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 होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी खराब हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टक्कर मारता है रुक जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। आपने देखा होगा वायर गर्म हो जाती है, काफी चलने के बाद वायर गर्म होती है। इवन आपने ये भी देखा होगा जो सर्दियों में हीटर यूज करते हैं रॉड्स, उसमें रॉड के ऊपर वायर गोल 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 लपेटी होती है, बहुत नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे लेंथ बढ़ाते हैं, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ए। लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है कोलिजन बढ़ती हैं, कोलिजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हीट ज्यादा जनरेट होती है और बिल्कुल लाल हो जाती है रोड, आपने देखा है गर्मी की वजह से। तो वो सारा यही कॉन्सेप्ट है हीटिंग इफेक्ट का। तो इसका मतलब क्या, वायर गर्म हो जाएगी थोड़ी देर में। जब वायर गर्म होगी तो प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसा भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स स्पीड एक्वायर कर लेंगे, ज्यादा तेज भागेंगे, तेज भागेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम गिर जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो एक बात तो पक्की है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, बढ़ जाएगी, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी। जबकि ओम लॉ का कहता है कि रेजिस्टेंस क्या होती होनी चाहिए, कांस्टेंट, लेकिन कीपिंग ऑल फिजिकल कंडीशंस सेम। तो जब फिजिकल कंडीशन चेंज होगी, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, उस केस में ओम लॉ क्या होगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, ओम लॉ कहता है वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, वेयर आर इज अ कांस्टेंट। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए तो जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, ओम लॉ वैलिड है क्योंकि आर कांस्टेंट है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया वायर का, आर की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब हल्का सा आप अगर करंट इंक्रीज करते हैं, हल्का सा भी, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है गर्मी की वजह से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत बढ़ जाता है, तो वी सीधा जाने की बजाय ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हल्के से करंट पे भी और बढ़ जाएगा, हल्के से करंट पे भी और बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें बढ़ती जा रही है। तो ओम लॉ यहां पर क्या हो गया, फेल, क्योंकि आर शुड बी कांस्टेंट और ग्राफ लीनियर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो पहला आप क्या लिखोगे, ओम लॉ कहां फेल है, जब वायर क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, और हीट होने से टेम्परेचर वायर का गर्म हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो ओम लॉ का ग्राफ ये बनेगा और इसमें ओम लॉ फेल है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स हम पढ़ेंगे बाद में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपके सिलेबस में एंड आखिरी चैप्टर है। उसमें जब हम करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करते हैं, बिल्कुल भी लीनियर नहीं आता, ओम लॉ बिल्कुल फॉलो नहीं होता, ऐसा करंट आता है। क्यों आता है, इसका रीजन तो उसी टाइम दे पाऊंगा, अभी दे नहीं पाऊंगा। आपको याद रखना है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ओम लॉ फेल है, वहां पर ओम लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता, राइट? नेक्स्ट है थायरिस्टर। थायरिस्टर सेमीकंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, सेमीकंडक्टर में ही ओम लॉ फेल है, थायरिस्टर में तो बहुत ही बुरी तरीके से फेल है। बस आपने तीन पॉइंट लिखने हैं, जहां हीटिंग इफेक्ट है सेमीकंडक्टर, थायरिस्टर वहां पर फेल है, अदरवाइज फिजिकल कंडीशन सेम रखोगे किसी भी कंडक्टर के लिए ओम लॉ एप्लीकेबल है।